राहुल, अगले महीने तुम्हारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं ना, तुमने अपनी पढ़ाई शुरू की या नहीं? राहुल की मम्मी ने किचन से ही वीडियो गेम खेल रहे राहुल को आवाज लगाते हुए कहा। हाँ माँ, पढ़ लूंगा, अभी तो एग्जाम को एक महीना बाकी है। डोंट वरी। हाँ माँ, अभी तो एग्जाम को 15 दिन बाकी है, एक हफ्ता बाकी है। और इसी तरह ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक राहुल के एग्जाम सिर पर आकर खड़े नहीं हो गए। और फिर रिजल्ट वही आया जिसका डर था। नहीं, राहुल फेल तो नहीं हुआ, लेकिन टॉप रैंक में पास नहीं हो पाया। काश राहुल ने वक्त रहते पढ़ाई कर ली होती और अपनी मम्मी की बात मान ली होती तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। खैर, ये कहानी हम सब में से ज्यादातर लोगों की रही होगी, और अगर ना भी रही हो तो किसी भी काम को बाद में करने की आदत तो रही ही होगी। आज नहीं कल कर लेंगे, हम कहां भागे जा रहे हैं। अरे भाई, अभी तो डेडलाइन बहुत दूर है, क्यों जल्दी करनी है। ये कुछ ऐसे गोल्डन सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। ये सारी बातें सिर्फ एक ही ओर इशारा कर रही हैं कि हम सही वक्त पर सही काम को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। एग्जीक्यूट, ये शब्द भले ही सुनने में कुछ अजीब सा लगे या कहीं सुना सुना सा लगे, लेकिन इस शब्द की ताकत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और गलती से भी अगर हमने इसे नजरअंदाज किया तो समझो चिड़िया चुग गई खेत जैसी हालत हो जाएगी। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि एक ही इंडस्ट्री में कई सारी छोटी बड़ी कंपनियां काम करती हैं, फिर भी उनमें से कुछ ही कंपनियां प्रॉफिट कर पाती हैं और कुछ तो लॉस ही लॉस करती रहती हैं। क्या आपने कभी इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की है? हम ये तो नहीं कह सकते कि इंडस्ट्री में बहुत तकलीफ है, बहुत कॉम्पिटिशन है, इसलिए हम मुनाफा नहीं कमा पा रहे। हमारी पड़ोस की दुकान में भी वही दाल चावल बिस्किट मिलता है जो हमारी दुकान में मिलता है, फिर भी वो मुनाफा कमा पा रहे हैं और हम नुकसान का रोना रो रहे हैं। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। हाँ, इतना तो तय है कि कुछ तो गड़बड़ है। और ये गड़बड़ क्या है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है, इन सारी बातों को आज चर्चा में जानेंगे। जी हाँ, पढ़ाई हो या बिजनेस, करियर हो या लाइफ का कोई गोल, हम हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ फैसले लेते ही हैं। लेकिन क्या हम अपने फैसलों पर सही तरह से अमल कर पाते हैं? अगर नहीं तो लैरी बोसिडी और रामचरण हमें अपनी किताब एग्जीक्यूशन द डिसिप्लिन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन में उन सारी बातों को समझाएंगे जिन्हें जानना न सिर्फ मेरे या आपके लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए बेहद जरूरी है। बिजनेस सेक्टर की बात करें तो किसी भी फैसले को एग्जीक्यूट करने में कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कई सारी स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती हैं, कई सारे रिस्क फैक्टर ध्यान में रखने पड़ते हैं। शॉर्ट में कहूं तो कंपनी को अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपने फैसलों को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, जिसमें कुछ लोगों के लिए वो फैसला फायदेमंद होता है तो कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक। एग्जीक्यूशन द डिसिप्लिन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन की बुक चर्चा में हमें बिजनेस सेक्टर से जुड़े कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बताए गए हैं जिसे सुनने और समझने में हमें काफी मजा आने वाला है। तो चलिए वक्त को बिल्कुल भी जाया ना करते हुए शुरू करते हैं एग्जीक्यूशन द डिसिप्लिन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन की बुक चर्चा। क्या कहना चाहती है ये किताब? लैरी बोसिडी और रामचरण की किताब एग्जीक्यूशन द डिसिप्लिन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन हमसे ये कहना चाहती है कि उठो और लोगों की तरह गलतियां मत करो, अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करते हुए अपने फैसलों पर काम करना शुरू करो। कुछ समझ आया? नहीं? चलो यहां भी एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। सवाल पूछने से पहले मेरा आप सबके लिए एक डिस्क्लेमर है कि जो एकमात्र सवाल मैं आपसे यहाँ पूछूंगी उसका सही सही जवाब दीजिएगा, ठीक है? तो सवाल ये है कि हम सब अपनी लाइफ में कई सारे रेजोल्यूशंस लेते रहते हैं। एक रेजोल्यूशन खत्म होने के बाद दूसरा, दूसरा खत्म होने के बाद तीसरा, और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। अब आप ये बताइए कि हर साल 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत में जो भी रेजोल्यूशंस आपने लिए थे उनमें से कितने रेजोल्यूशन को आपने पूरा कर लिया है, या उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पर आपका काम कैसा चल रहा है? आप सभी का जो भी जवाब होगा वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप खुद समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इस केस में सिर्फ 3 बातें पॉसिबल हो सकती हैं। पहला, आपने अपना रेजोल्यूशन पूरा कर लिया है। दूसरा, आप अपने रेजोल्यूशन को पूरा करने के लिए उस पर काम कर रहे हैं जिसका रिजल्ट वेटिंग में है। और तीसरा और आखिरी बात यह हो सकती है कि आपने अब तक अपने रेजोल्यूशन पर काम करना शुरू ही नहीं किया। ये पहली और दूसरी सिचुएशन में जिस किसी के भी जवाब होंगे उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं,
लेकिन जिसका जवाब तीसरी कैटेगरी में जाता है उन्हें ये किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। पहली और दूसरी सिचुएशन वाले भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर इन तीनों सिचुएशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो पहले पार्ट में पहली और दूसरी सिचुएशन शामिल होगी जिन्होंने अपने फैसले पर, अपने रेजोल्यूशन पर काम किया है या काम कर रहे हैं, जबकि दूसरे पार्ट में तीसरी सिचुएशन वाले लोग आएंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ कारणों की वजह से अपने रेजोल्यूशन पर काम करना शुरू ही नहीं किया। इन दोनों पार्ट्स में से जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है एग्जीक्यूशन। जी हाँ, जो भी फैसले आपने लिए या अपने बिजनेस के लिए लेते हैं उसे एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है। एग्जीक्यूशन, द डिसिप्लिन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, हमें उस रिजल्ट गैप के बारे में समझाएगी जो हमसे वादा किए गए रिजल्ट और वास्तविक रिजल्ट के बीच में होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एग्जीक्यूशन क्लोजिंग द गैप बिटवीन रिजल्ट प्रॉमिस्ड एंड रिजल्ट डिलीवर्ड। रेजोल्यूशन हर कोई लेता है, लेकिन पूरा सिर्फ वही इंसान कर पाता है जो उसे सही मायनों में एग्जीक्यूट करना भी जाने। कंपनी के नजरिए से देखें तो किसी भी प्लान या स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसे पीपल, स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशनल लेवल पर एग्जीक्यूट करना पड़ता है। और इन तीनों ही लेवल पर हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इन सारी बातों को एग्जीक्यूशन द डिसिप्लिन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन की इस बुक चर्चा में बखूबी बताया गया है। कौन है लैरी बॉसिडी और रामचरण? दोस्तों, जब किसी इंडस्ट्री के लिए कोई किताब लिखी जाती है तो ज्यादातर उसे एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट ही लिखता है जिसे उस इंडस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी हो। अगर लैरी बॉसिडी और रामचरण की बातें करें तो इन दोनों ही हस्तियों के पास अपनी अपनी इंडस्ट्री का काफी सालों का एक्सपीरियंस भरा पड़ा है। नाम है लॉरेंस बॉसिडी। जनरल इलेक्ट्रिक यानी कि जीई कंपनी में 34 साल काम करने वाले लैरी को हनीवेल इंटरनेशनल कंपनी के चेयरमैन और सीईओ के रूप में पहचाना जाता है, जिसके बाद उन्होंने 1991 से 1999 तक एलाइट सिग्नल के चेयरमैन और सीईओ के रूप में भी काम किया। 1999 में जब हनीवेल इंटरनेशनल कंपनी और एलाइट सिग्नल मर्ज हुए, तब इस मर्जर के बाद जो नई कंपनी बनी उसका चेयरमैन पद भी लैरी बॉसिडी को ही दिया गया था। हालांकि अप्रैल 2000 में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन वो जीती जागती मिसाल थी कि लैरी के नेतृत्व में कंपनी सही तरह से, सही दिशा में काम कर रही है। लैरी के नेतृत्व में कंपनी का अर्निंग पर शेयर लगातार 31 क्वार्टर तक 13% से ज्यादा रहा था। दूसरी ओर इस किताब के दूसरे ऑथर रामचरण की बात करें तो रामचरण का अपना एक अलग ही रुतबा है, अपनी एक अलग ही पहचान है। रामचरण का एक्सपीरियंस अपनी इंडस्ट्री में कई सालों का है। दरअसल रामचरण स्टार्टअप से लेकर जीई, फोर्ड, ईडीएस, ड्यूपॉन्ट, यूनिवर्सल स्टूडियो और वेरिजॉन जैसी कई टॉप मोस्ट फॉर्च्यून 500 कंपनियों को एडवाइस देने का काम करते हैं। यानी कि जो भी छोटी बड़ी कंपनियां अपनी स्ट्रेटजीज को सही तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं, उनमें से कई कंपनियों ने रामचरण की सर्विस का इस्तेमाल किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, रामचरण ने व्हाट द सीईओ वांट्स यू टू नो और बोर्ड्स दैट वर्क जैसी किताबें भी लिखी हैं। जबकि एवरी बिजनेस इज द ग्रोथ बिजनेस नामक किताब में वो को ऑथर रह चुके हैं। सलाहकार के रूप में काम करने वाले रामचरण ने हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू और फॉर्च्यून मैगजीन के लिए भी कई सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। इन दोनों ही ऑथर के परिचय को अगर ठीक तरह से देखा और समझा जाए तो हमें पता चलता है कि लैरी बॉसिडी और रामचरण दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में काफी एक्सपीरियंस रखते हैं और जो भी बड़ी कंपनियां हमें यानी कि अपने ग्राहकों को अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट दिखा के आकर्षित करते हैं, उन कंपनियों को चलाने और उन्हें सही रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम कुछ इन्हीं तरह के एक्सपर्ट्स किया करते हैं। इन शॉर्ट, हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सपर्ट्स या ऑथर पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले वो हीरो हैं जिनकी वजह से पूरी फिल्म लुभावनी दिखाई पड़ती है। क्या है एग्जीक्यूशन और क्यों जरूरी है? एग्जीक्यूशन की डेफिनेशन ये कहती है कि एग्जीक्यूशन यानी किसी काम के एक छोटे से हिस्से को एग्जीक्यूट करना या दी गई ड्यूटी को परफॉर्म करना या फिर किसी प्लान को इम्प्लीमेंट करना यानी कि एक्शन में लेना है। अब इसी डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए अगर हम लैरी बॉसिडी और रामचरण के विचारों को समझने की कोशिश करें तो हम ठीक तरह से समझ पाएंगे कि एक कंपनी को रन करने के लिए न सिर्फ अच्छी पॉलिसी बल्कि अच्छी स्ट्रेटेजी, अच्छे एम्प्लॉयज या अच्छे सीईओ की जरूरत पड़ती है, बल्कि सही एग्जीक्यूशन, सही डायरेक्शन और सही सजेशन की भी जरूरत पड़ती है। अच्छे लीडर की जिम्मेदारी ये होती है कि वो जो भी प्लान या जो भी स्ट्रेटेजी डिसाइड करता है उसे सही तरह से एग्जीक्यूट कर पाए या करवा पाए।
एक लीडर के तौर पर उसकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि कंपनी के लिए जो भी रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं उन सभी को सही तरह से इस्तेमाल किया जाए। कंपनी के लिए जो भी रिसोर्सेज जरूरी होते हैं उनमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज से लेकर ह्यूमन रिसोर्सेज तक कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं, और ये सारे रिसोर्सेज ही एक सही लीडर को अपने प्लान को एग्जीक्यूट करके उन्हें और कंपनी को सफल बनाने में मददगार साबित होते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि एग्जीक्यूशन एक तरह का डिसिप्लिन है जिसे हर कंपनी को निभाना चाहिए। जिस तरह स्कूल में बच्चों को उनकी उज्जवल भविष्य के लिए डिसिप्लिन का पाठ पढ़ाया जाता है, इसी तरह एक कंपनी को सफल बनाने के लिए सही तरह से स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना भी जरूरी होता है। इस किताब की शुरुआत में ही लैरी बॉसिडी ने एक अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि कंपनियों के पास डेटाओं से भरी 6-6 इंच बड़ी किताबें होती हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि उन सभी किताबों को कंपनी की स्ट्रेटेजी से कोई लेना देना नहीं होता। अब लैरी की इस बात को अगर ध्यान से समझा जाए तो हम इसके काफी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। एक कंपनी को अपनी स्ट्रेटेजी, अपने फ्यूचर प्लान को ध्यान में रखते हुए बनानी पड़ती है, ना कि किसी डेटा के आधार पर। हम यहाँ किसी भी डेटा को पूरी तरह से नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसे कम इम्पोर्टेंस जरूर दे सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये मैं क्यों कह रही हूँ। आज के दौर में जहाँ डेटा को बेचकर करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस होता है, वहीं मैं डेटा से भरी 6-6 इंच बड़ी किताबों को कम इम्पोर्टेंस देने की बात कर रही हूँ। दरअसल बात यह है कि हर कंपनी का अपना अलग विजन होता है, एक अलग मिशन होता है जिसे लेकर वो काम करती हैं। आपके पास जो डेटा की किताब अवेलेबल है वो डेटा की किताब आपको अपनी इंडस्ट्री का, अपने देश का या पूरे वर्ल्ड मार्केट का एक ओवरऑल आइडिया दे सकती है, लेकिन आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है इसका पूरा रिव्यू वो नहीं दे सकती। हो सकता है जो डेटा की किताब आपके पास अवेलेबल हो वो डेटा कई साल पुराना हो और आज के बदलते दौर में वो डेटा आपके लिए रेलिवेंट ना भी हो। 10 साल पहले भारत सरकार ने जो जनगणना की थी वहां आंकड़े आज भी उतने ही होंगे, ये सोचना ही गलत है। बेशक उन जनगणना के आंकड़ों में काफी फेरबदल हुए होंगे। हाँ, 10 साल पहले के डेटा को आप एक रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल बेशक कर सकते हैं और इसमें किसी भी तरह की पाबंदी नहीं हो सकती। 10 साल पहले भारत की जब जनगणना हुई थी और जो आंकड़े वहां से निकलकर हमारे सामने आए थे उससे न सिर्फ भारत को या भारतीयों को बल्कि पूरे विश्व को एक आइडिया मिल चुका था कि भारत की जनसंख्या कितनी है और वो कितने प्रतिशत से बढ़ी है और आगे आने वाले समय में वो और ज्यादा बढ़ सकती है। जनगणना के इन्हीं आंकड़ों की वजह से कोई भी कंपनी अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर सकती है। ये सब कुछ भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के हर देश के लिए एक समान हो सकता है। आइए एक और एग्जाम्पल के जरिए एग्जीक्यूशन बात समझने की कोशिश करते हैं। एक स्कूल या एक कॉलेज हमेशा ये चाहता है कि उसका रिजल्ट 100% आए और कॉलेज का हर स्टूडेंट एग्जाम में पास हो। अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कॉलेज का मैनेजमेंट प्रिंसिपल को सही स्ट्रेटजी बनाने को कहता है, जबकि प्रिंसिपल अपने टीचर्स को सही टीचिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने की राय देता है। टीचर्स सही तरह से पढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम पास कर पाएंगे और जितने ज्यादा स्टूडेंट एग्जाम पास कर पाएंगे उतना ही अच्छा कॉलेज का रिजल्ट आएगा। अगर ज्यादातर बच्चे एग्जाम में फेल होते हैं तो बेशक प्रिंसिपल टीचर्स की ही क्लास लगाएगा। अब ये इल्जाम टीचर पर लगना चाहिए या स्टूडेंट्स पर, ये एक प्रश्न हो सकता है। इसी तरह अगर एक कंपनी में किसी प्लान को एग्जीक्यूट करना है और कुछ जटिल कारणों की वजह से वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाता तो इस बात का जिम्मेदार किसे माना जाएगा? कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को जिन्हें प्लान पर एक्चुअली वर्क करना था, या कंपनी के सीईओ को जिन्होंने कंपनी की स्ट्रेटजी को डिजाइन किया था? कंपनी चाहे छोटी हो या बड़ी, उसके लिए ये सवाल हमेशा ही उलझनों से भरा हुआ रहा है कि आखिरकार गलती कहाँ हुई है और किससे हुई है। अगर इस सवाल का जवाब कंपनी को नहीं मिल पाता है तो बाय डिफॉल्ट सीईओ को ही जिम्मेदार माना जाता है, और इसकी जिम्मेदारी साबित करने के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि सीईओ ने सही प्लानिंग नहीं की होगी और इसकी वजह से ही एम्प्लॉय सही तरह से काम नहीं कर पाए और कंपनी को नुकसान के दिन देखने पड़ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में सोचिए उस सीईओ की क्या हालत होती होगी जिसकी स्ट्रेटजी बिल्कुल सही होती होगी लेकिन कंपनी के एम्प्लॉयज की काम चोरी की वजह से स्ट्रेटजी सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती और पूरी स्ट्रेटजी फेल हो जाती है और कंपनी के सीईओ को कंपनी से निकाला जाता है। इसी परेशानी का हल निकालने के लिए लैरी बॉसिडी और रामचरण ने एग्जीक्यूशन द डिसिप्लिन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन लिखी है।
एक लीडर पर यह बात बहुत मायने रखती है कि वो किस तरह से कंपनी के भविष्य को देखता है और किस तरह कंपनी को आगे ले जाने में मदद कर सकता है। इस पूरे प्रोसेस में कंपनी के सीईओ को या लीडर की कंपनी के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना पड़ता है। हमारी इस किताब के ऑथर का स्पष्ट रूप से मानना है कि कोई भी स्ट्रैटेजी अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि उसका एग्जीक्यूशन सही गलत हो सकता है, और यहाँ एग्जीक्यूशन में ही फेरबदल की जरूरत होती है। हर माँ बाप को लगता है कि उसका बच्चा सही तरह से काम कर रहा है और सब कुछ सीख रहा है। उन्हें अपने बच्चों की गलतियां नहीं दिखाई देती और वो हर बार ये सोचते रहते हैं कि उनका बच्चा काफी होनहार है और अपने हर टारगेट को अच्छी तरह से अचीव कर पाएगा। लेकिन हर बार उनकी ये सोच सही साबित हो ये जरूरी नहीं। कंपनी के मामले में भी ये बात लागू होती है। उनको लगता है कि उनका हर एम्प्लॉय सही तरह से काम कर रहा है और कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है, तो शायद उनकी ये सोच गलत हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि कंपनी का हर कर्मचारी कंपनी के लिए अच्छा ही सोचे या कंपनी के हित में ही काम करे। कभी कभार कुछ ऐसे कर्मचारी भी कंपनी में काम करते हैं जो खुद के पर्सनल ग्रोथ के लिए काम करते हैं और ना ही कंपनी के ग्रोथ के लिए। कंपनियों को ऐसे कर्मचारियों से सावधान रहना चाहिए। साथ ही साथ एक लीडर के दृष्टिकोण पर भी ये बात निर्भर होती है कि वो कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाना चाहता है। अगर कंपनी के लीडर यानी कि सीईओ का नेचर काफी बोल्ड और रिस्क टेकिंग वाला है, तो वो बिना हिचकिचाहट की कोई भी मुश्किल से मुश्किल निर्णय लेने में पीछे नहीं हटेगा। वहीं दूसरी ओर अगर कंपनी का लीडर लेजी एटीट्यूड वाला है, तो कंपनी को डुबोने से कोई नहीं बचा सकता। मैनेजमेंट के स्टूडेंट और दूसरे भी एक्सपर्ट्स ये बात बखूबी जानते होंगे कि एक लीडर के भी कई तरह के प्रकार होते हैं। एक अच्छा लीडर वो होता है जो कंपनी के विजन और मिशन को सही तरह से समझे, कंपनी के लिए जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उसका सही ढंग से इस्तेमाल कर पाए, साथ ही टॉप लेवल और लोअर लेवल के कर्मचारियों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग तैयार कर सके। ना सिर्फ अच्छे लीडर के लिए बल्कि एक कंपनी के लिए भी ये जानना बेहद जरूरी होता है कि मार्केट में यानी कि इंडस्ट्री में उसकी पोजीशन क्या है। एग्जाम्पल के रूप में कहा जाए तो ग्लूकोज बिस्किट कंपनी के रूप में पार्ले जी का नाम आज सबसे टॉप पर है। अपने एरिया में पार्ले जी ने जो मोनोपोली तैयार करके रखी है उसमें कोई भी दूसरी कंपनी टक्कर नहीं दे पाती। बात चाहे प्रोडक्ट्स के प्राइस की हो या क्वालिटी या क्वांटिटी की, पार्ले जी को ग्लूकोज बिस्किट सेक्टर में हराना अच्छी अच्छी कंपनियों के लिए भी मुश्किल काम बन चुका है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कंपनी का मार्केट शेयर ग्लूकोज बिस्किट कंपनी में सबसे ज्यादा है। यहां तक कि ये बिस्किट ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय है। अपने मार्केट पोजीशन देखने के बाद ही कंपनी उसमें कुछ बदलाव ला सकती है। अगर कंपनी की मार्केट पोजीशन अच्छी नहीं है, तो उस मार्केट पोजीशन में फेरबदल लाने के लिए कंपनी को सही स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। और सही स्ट्रैटेजी बनाने के अलावा ये कहना भी ज्यादा मुनासिब होगा कि उस स्ट्रैटेजी को सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए यानी कि एग्जीक्यूट किया जाए। अगर कंपनी नंबर वन पोजीशन पर रहते हुए सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इंजॉय करती है, तब भी उसके लिए तकलीफ कम नहीं होगी। नंबर वन पोजीशन पर रहते हुए उसके लिए काम करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसे ये पोजीशन संभाल के रखने के लिए लगातार नए प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारने पड़ेंगे या फिर नई आकर्षक स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। यानी कि कंपनी को अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि दो कंपनियां एक ही तरह की स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रही हों, फिर भी एक नुकसान झेल रही है और एक को मुनाफा हो रहा है, तो ऐसे में ये देखना काफी रोचक हो जाता है कि कंपनियां अपनी अपनी स्ट्रैटेजी किस तरह इम्प्लीमेंट करती है और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानती है। कंपनी की स्ट्रेंथ को पहचाने। अक्सर आपने देखा होगा कि इंसान उतना ही खा पाता है जितनी उसकी कैपेसिटी होती है। अगर एक इंसान की कैपेसिटी 10 रोटीज तक ही सीमित है, तो वो 10 रोटीज ही खा पाएगा। लेकिन अगर कभी भूखा ज्यादा हो तो वो 10 के बदले 12 या 15 रोटी भी खा जाएगा, और अगर कभी भूख ना हो तो 5 या 7 रोटी में भी उसका काम चल जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इंसान अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही खाना खाता है। कंपनियों का भी कुछ ऐसा ही है। एग्जीक्यूशन द डिसिप्लिन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन के ऑथर लैरी बोसिडी और रामचरण इसी बात को बिजनेस की भाषा में कुछ इस तरह कहते हैं, टैक्टिक्स आर सेंट्रल टू एग्जीक्यूशन बट एग्जीक्यूशन इज नॉट टैक्टिक्स। एग्जीक्यूशन इज अ फंडामेंटल टू स्ट्रैटेजी एंड हैज टू शेप इट। No worthwhile strategy can be planned without taking into account the organization's ability to execute it.
यानी कि बात साफ है, किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास कुछ टैक्टिक्स होने बेहद जरूरी होते हैं, और आपके हर एग्जीक्यूशन के सेंटर में कोई ना कोई टैक्टिक्स मौजूद होता ही है। लेकिन ये बात ध्यान में रखना बेहद जरूरी है कि जो भी प्लान आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें हर बार कुछ ना कुछ टैक्टिक्स हो, ये जरूरी नहीं। किसी भी स्ट्रेटेजी को सही दशा और दिशा देने के लिए एग्जीक्यूशन बेहद जरूरी होता है, और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। या जो बात अलग तरह से दिखाई पड़ती है वो ये है कि किसी भी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास सही डायरेक्शन और आइडिया होना भी जरूरी होता है। साथ ही साथ ये भी देखना बेहद जरूरी होता है कि कंपनी की कैपेसिटी कितनी है। अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक कंपनी जो भी प्लानिंग कर रही है, क्या उसे वो सही तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएगी या नहीं, ये बात भी काफी मायने रखती है। जिस तरह हमने आगे कहा कि एक इंसान की रोटी खाने की भी कोई कैपेसिटी होती है, और उसी तरह एक कंपनी की भी कोई ना कोई प्लानिंग एग्जीक्यूट करने की और उसे अपनाने की एक कैपेसिटी होती है। मान लीजिए अगर कोई कंपनी 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो वो ऐसी जोरदार प्लानिंग ही तैयार करेगी जिसकी वजह से वो 1000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा सके। 1000 करोड़ रुपए कमाने के लिए बेशक कंपनी अपना 100% देने की कोशिश करेगी, और बड़े बड़े टेंडर्स कंपनी को मिले इसलिए कंपनी अपनी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी बनाए रखना चाहेगी। वक्त वक्त पर कंपनी टैक्स का भुगतान भी करेगी, अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आकर्षक एडवर्टाइजमेंट भी करेगी। कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन सी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ल्ड मार्केट में इंडस्ट्री और इंडस्ट्री में कंपनी की पोजीशन कैसी और कितनी है, इन सारी बातों की जानकारी हासिल करके कंपनी अपनी रणनीतियां तैयार करेगी। ऑथर लैरी बॉसिडी और रामचरण अपनी किताब एग्जीक्यूशन द डिसिप्लिन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन में इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि एग्जीक्यूशन को एक प्रोसेस के तौर पर ट्रीट किया जाना चाहिए। यानी कि जब टॉप लेवल मैनेजमेंट किसी स्ट्रेटेजी को अंतिम रूप दे देता है, तब ये स्ट्रेटेजी लोअर मैनेजमेंट के पास जाती है जो कि इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करते हैं। इन दोनों मैनेजमेंट के बीच में मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी होता है जो कि दूसरे कामकाज संभालता है। यहाँ हर लेवल के मैनेजमेंट को एक दूसरे से स्ट्रेटेजी के अनुसार सवाल करने का पूरा अधिकार होता है। जाहिर सी बात है कि सवाल होना काफी आम बात है, क्योंकि हर स्ट्रेटेजी टॉप लेवल या मिडिल लेवल मैनेजमेंट तय करता है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट या उसे इम्प्लीमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट ही करता है। स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के दौरान जो भी परेशानियां प्रैक्टिकल तौर पर सामने आती हैं, वो सबसे पहले लोअर लेवल मैनेजमेंट भी फेस करता है। यानी कि यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें एक स्ट्रेटेजी या एक प्लानिंग की सही क्षमता या सही क्वालिटी जाननी है, तो हमें सबसे सही जवाब लोअर लेवल मैनेजमेंट से ही मिल पाएगा। चलिए इस बात को एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। मान लीजिए कंपनी ABCD के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने मिलकर एक स्ट्रेटेजी तैयार की है। स्ट्रेटेजी ये है कि कंपनी को अगले 5 साल में अपना मुनाफा 10% से ज्यादा बढ़ाना है। कंपनी इस टारगेट को हासिल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट पर काफी पैसा खर्च कर रही है। कंपनी ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में नई टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की है। कंपनी को सप्लाई होने वाला रॉ मटेरियल भी काफी अच्छी क्वालिटी का है, और जो भी आउटपुट इस नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आ रहा है वो काफी शानदार है। सब कुछ अपनी जगह पर सेट करने के बाद कंपनी अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करती है। कुछ साल बीत जाने के बाद भी कंपनी अपने टारगेट का 50% भी रिजल्ट हासिल नहीं कर पाती। जब कंपनी 2-3 साल बाद अपनी स्ट्रेटेजी को फिर से देखती है, तब वो इस बात को इवैल्यूएट करती है कि उनसे कहां भूल हुई है। जांच पड़ताल करने के बाद कंपनी को मालूम पड़ता है कि कंपनी ने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, अच्छे रॉ मटेरियल की खरीद की, आउटपुट भी अच्छा था और वो कस्टमर को काफी पसंद भी आ रहा था। इन शॉर्ट, कंपनी ने अपनी स्ट्रेटेजी को सही तरह से इम्प्लीमेंट किया था, फिर भी कंपनी अपना टारगेट प्राप्त नहीं कर पाई। इसके पीछे के कुछ कारण ये हो सकते हैं कि कंपनी ने जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, उसके लिए जो भी ट्रेनिंग देनी चाहिए थी वो ट्रेनिंग सही तरह से नहीं दी गई थी। कंपनी के ज्यादातर कर्मचारियों को नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना तो आ गया था, लेकिन उस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के दौरान जो भी वेस्ट निकल रहा था उसे किस तरह कम किया जा सके, इस बारे में उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था। इसलिए जहां एक और कंपनी के प्रोडक्ट्स ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रहे थे, वहीं साथ ही साथ उनके प्रोडक्ट्स में से उतना कचरा भी निकल रहा था जिसका उन्होंने ध्यान नहीं रखा। दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि फैक्ट्री के सुपरवाइजर काफी सख्त मिजाज के हों और ट्रेडिशनल प्रोसेस फॉलो करते हों। आज के जमाने में हर इंसान को लिबर्टी मिलनी चाहिए, हर इंसान को सिर्फ रोबोट बनाकर नहीं रखा जा सकता। ये बात समझने में कंपनी ने भूल कर दी। कंपनी के कर्मचारी भी इंसान ही है, और उन्हें इंसान न समझकर सिर्फ रोबोट की तरह ट्रीट किया जाए तो बेशक
वो आपकी कंपनी में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे और एट द एंड इसका खामियाजा कंपनी को ही भुगतना पड़ेगा। हमारे इस एग्जाम्पल का कारण ये था कि कंपनी अपना टारगेट सही समय पर अचीव नहीं कर पाई क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने एयर कंडीशन कमरे में बैठकर स्ट्रेटजी डिसाइड की, वहां लोअर लेवल मैनेजमेंट ने फैक्ट्री में उसी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट किया है। इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि स्ट्रेटजी बनाने वाले इंसान और स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने वाले लोगों के बीच में सही तालमेल का होना बेहद जरूरी है। इसी बात को अगर दूसरे तौर तरीके से कहा जाए तो जब कंपनी के लिए एक स्ट्रेटजी तैयार होती है तब कई सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। आज के दौर में लोअर लेवल मैनेजमेंट के किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को भी स्ट्रेटजी प्लानिंग की प्रोसेसेस में शामिल किया जाता है ताकि वो कंपनी के कर्मचारियों की होने वाली तकलीफों को रिप्रेजेंट कर सके। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो या ग्रुप डिस्कशन हो, नई टेक्नोलॉजी के बारे में दी जाने वाली ट्रेनिंग प्रोसेस हो या कुछ और, कंपनी का लोअर लेवल मैनेजमेंट हो या मिडल लेवल मैनेजमेंट, अपने हायर अथॉरिटी से वो हो सके उतने सवाल कर सकता है क्योंकि सही सवाल करने से ही आपको समस्या का समाधान मिल पाएगा। अगर कंपनी का कर्मचारी अब तक टाइपराइटर पर ही टाइपिंग करता आया है और उसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो आपको उसे कंप्यूटर चलाने के लिए कुछ ट्रेनिंग देनी होगी। आप सीधा ही टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर लाकर नहीं रख सकते और कर्मचारी से ये उम्मीद भी नहीं रख सकते कि वो इस कंप्यूटर को दो दिन में सीख जाए। ट्रेनिंग देने के लिए भी एक समय सीमा निर्धारित होती है। टेक्नोलॉजी को कब कैसे इस्तेमाल करना है, इन सारी बातों की जानकारी एक कंपनी के नाते आपको अपने कर्मचारियों को देनी पड़ती है। अगर आप इन सारी बातों को समझकर अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो बेशक आपकी स्ट्रेटजी सही तरह से एग्जीक्यूट हो पाएगी। यहाँ ध्यान रखने वाली दूसरी बात यह है कि एग्जीक्यूशन के दौरान आपको न सिर्फ कंपनी की कैपेसिटी को ध्यान में रखना है बल्कि कंपनी की सही स्ट्रेटजी, ऑपरेशन और ह्यूमन रिसोर्सेज को भी ध्यान में रखना पड़ता है। एग्जीक्यूशन इज नथिंग बट एबिलिटी टू लिंक स्ट्रेटजी प्लस ऑपरेशंस प्लस पीपल हु आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द स्ट्रेटजी। कंपनी की ये तीनों बातें अगर सही तरह से लिंक नहीं होती तो इसका खामियाजा कंपनी को ही भुगतना होता है। एग्जीक्यूशन बिजनेस लीडर की जिम्मेदारी। अब तक हमने एग्जीक्यूशन के बारे में जो कुछ भी समझा है उसे दूसरी भाषा में कहा जाए तो कंपनी के लिए न सिर्फ स्ट्रेटजी और प्लान इम्पोर्टेंट है बल्कि साथ ही साथ एक अच्छा लीडर भी बेहद जरूरी होता है। एक अच्छे लीडर की ये पहचान होती है वो कंपनी की हर स्ट्रेटजी या कंपनी के हर प्लान को सही तरह से इम्प्लीमेंट कर पाए। कई बार हमने देखा है कि कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो दूसरों को ऑर्डर देकर खुद बैठ जाते हैं। उन लीडर्स का कंपनी के कामकाज के प्रति कोई ज्यादा लगाव दिखाई नहीं देता बल्कि कंपनी के दूसरे मैनेजर्स अपना काम कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं, लेकिन बात जब रिजल्ट की आती है तब वो लीडर सबसे पहले आकर सारी तारीफें बटोर लेता है और कंपनी के मैनेजर हाथ मलते रह जाते हैं। ऐसे लीडर्स कंपनी के लक्ष्य के प्रति ज्यादा ध्यान भी नहीं देते क्योंकि उनका ध्यान शायद कंपनी के लिए नहीं बल्कि खुद की ग्रोथ के ऊपर होता है। ऐसी परिस्थिति में कंपनी को ही नुकसान झेलना पड़ता है। कंपनी के लिए सही लीडर वो होता है जो पूरी निष्ठा से कंपनी के लक्ष्य के प्रति अपना 100% दे, कंपनी के लक्ष्य को अपना खुद का लक्ष्य बनाकर आगे बढ़े और अपने साथ काम कर रहे हर कर्मचारी का आगे आने का मौका दे। एक सही लीडर को तीन बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और ये तीन बातें हैं: कंपनी के दूसरे कर्मचारियों में से एक अच्छे लीडर को चुनना, एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन तय करना और सही तरह से काम को निपटाना। जिस तरह से क्रिकेट टीम को सही तरह से तैयार करने के लिए एक कोच की जरूरत होती है, उसी तरह एक कंपनी को चलाने के लिए भी एक अच्छे लीडर की जरूरत होती है। क्रिकेट का कोच अगर अपने ऑफिस में बैठकर ही सब प्लान, पॉलिसी और रणनीतियां बनाता रहेगा और खिलाड़ियों के साथ मैदान में वक्त नहीं बिताएगा तो खिलाड़ियों के लिए हर टेक्निक को समझना काफी मुश्किल भरा हो सकता है। एक सही कोच को मैदान में आकर हर एक खिलाड़ी पर पर्सनली ध्यान देना पड़ता है। कौन से खिलाड़ी को कौन सी परेशानी है इस बात का उसे पता होना चाहिए। एक खिलाड़ी को जो भी परेशानी होती है उसे सही तरह से समझकर सुलझाना चाहिए। कोच ने जो भी प्रैक्टिस करने की जो भी तकनीक बताई है अगर उसमें भी खिलाड़ियों को दिक्कत होती है तो कोच को उसे किसी अल्टरनेट टेक्निक की मदद से बदलना चाहिए। अगर किसी बैट्समैन को कोई पर्टिकुलर शॉट खेलने में परेशानी हो रही है तो बैटिंग कोच को उन्हें उस पर्टिकुलर शॉट में क्या फेरबदल करने चाहिए इस बात का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। जो भी चेंजेस कोच द्वारा सजेस्ट किए जाते हैं उसको भी खिलाड़ी अपना पाता है या नहीं ये देखना भी काफी जरूरी होता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि खिलाड़ियों को सही तरह से समझने के लिए जिस तरह कोच को भी मैदान में उतरना पड़ता है
उसी तरह बिजनेस सेक्टर में भी एक सही लीडर को अपने दूसरे कर्मचारियों के बीच में आकर उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाना पड़ता है जो कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। ऐसा करने से कर्मचारियों के बीच में एक मोटिवेशन फैक्टर तो पैदा होता ही है, साथ ही साथ अगर उनके मन में कोई डाउट्स हैं तो वो भी आसानी से सुलझा सकते हैं। अब कंपनी के दूसरे पहलुओं पर नजर करें तो एग्जीक्यूशन में सबसे ज्यादा कलीग्स में एक दूसरे से बातचीत का भी काफी अहम किरदार होता है। हर एक कर्मचारी एक दूसरे से या लीडर अपने कर्मचारियों से किस तरह किस लहजे में बात करता है, इस बात का भी एग्जीक्यूशन पर काफी असर पड़ता हुआ हमने देखा है। मैनेजमेंट की भाषा में इसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप कहते हैं। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में अच्छे रिलेशनशिप होते हैं तो बेशक कंपनी को इसका फायदा मिलता ही है। एक अच्छा एम्प्लॉई या एक अच्छा लीडर अपने एम्प्लॉयज को अपने परिवार की तरह संभालता है। वो किसी भी एम्प्लॉयज को किसी भी तरह की परेशानी होने नहीं देगा। इस तरह की कंपनियों में जहां एम्प्लॉयर के बीच के संबंध काफी मजबूत होते हैं वहां अक्सर झगड़े भी कम होते हैं और कंपनी प्लान्स एंड पॉलिसी को सही तरह से एग्जीक्यूट कर पाती है। इतना ही नहीं, कंपनी जो भी नए तरीके इस्तेमाल करने वाली है, जो भी नई पॉलिसीज बनाने वाली है, उसे कर्मचारियों को ध्यान में रखकर ही तैयार करती है। इस बात में कोई दोराय नहीं कि अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखती है तो कंपनी के मुश्किल दिनों में भी कंपनी के अच्छे कर्मचारी कंपनी के साथ बने रहेंगे। हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें तो हमने कई ऐसी कंपनियों को देखा है जिनमें शुरुआत से लेकर आज तक के कई कर्मचारी उसी एक कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। एक ही कंपनी में पूरी जिंदगी बिताने के बाद वो कर्मचारी भी गर्व महसूस करता है। उसे इस बात का फख्र होता है कि उन्होंने इस कंपनी के अच्छे बुरे दिनों में कंपनी का साथ दिया है और कंपनी ने भी उसे एक सही पोजीशन, सही मान सम्मान दिया है। हमारे देश में अगर हम किसी ऐसी कंपनी का उदाहरण भी देना चाहें जो अपने कर्मचारियों को सबसे खुश रखने में नंबर वन है तो टाटा ग्रुप इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है। इस बात को साबित करने के लिए किसी रिसर्च की जरूरत नहीं है, ना ही किसी माउथ पब्लिसिटी की जरूरत है। हम सब जानते हैं कि टाटा ग्रुप किस तरह अपने सभी कर्मचारियों को संभाल कर रखता है। ह्यूमन रिसोर्सेज को सच में एक असेट की तरह संभाल कर रखने में टाटा ग्रुप सबसे आगे है। शायद कम ही लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि टाटा ग्रुप ही वो सबसे पहला ग्रुप है जिसने पेड लीव्स और स्पेशल बेनिफिट्स टू वुमेन एट वर्कप्लेस का कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया था। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर एक सही लीडर सही ढंग से अपने कर्मचारियों को संभाले रखता है तो इस बात का फायदा उसे आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। कंपनी का अपने कर्मचारियों के प्रति और कर्मचारियों का अपने कंपनी के प्रति जो लगाव है उसकी वजह से कंपनी के प्लान्स और पॉलिसी सही दिशा में एग्जीक्यूट हो पाएंगे। कंपनी और कर्मचारियों के बीच के रिलेशनशिप की वजह से कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, लेकिन अगर कंपनी और कर्मचारियों के बीच में अच्छे संबंध नहीं है तो इस बात का खामियाजा दोनों को भुगतना पड़ सकता है। कर्मचारी तो एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ढूंढने चले जाएंगे, लेकिन एक कंपनी को वापिस से दूसरे कर्मचारियों को भर्ती करनी पड़ेगी और उन्हें फिर से सारी ट्रेनिंग प्रोसेस शुरू करनी पड़ेगी जिसमें उनका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो सकता है। इस तकलीफ को दूर करने के लिए कंपनी के नजरिए से ये बेहद जरूरी है कि वो अपने छोटे बड़े सभी कर्मचारियों को संभाल कर रखे और अपने प्लान्स को सही तरह से एग्जीक्यूट करवा पाए। इतना ही नहीं, अपनी पॉलिसी या अपने प्लान्स को सही तरह से एग्जीक्यूट करने के बाद कंपनी का जो भी सफलता मिलती है उसका श्रेय सिर्फ अकेली कंपनी को या अकेले लीडर को ही ना देते हुए उन कर्मचारियों को भी देना चाहिए जिन्होंने कंपनी की पॉलिसी को और उनके प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में उनकी मदद की है। क्योंकि कर्मचारियों के बिना कंपनी कुछ नहीं कर सकती और एक एग्जीक्यूशन ही एक अच्छा बदलाव ला सकता है। एग्जीक्यूशन ला सकता है एक बड़ा बदलाव। वो कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये परिवर्तन कब, कौन और कैसे लाएगा। सामान्य तौर पर तो कंपनियों में लीडर या कंपनी के उच्च अधिकारी एक स्ट्रेटेजी तैयार करके रख देते हैं और उस स्ट्रेटेजी को कंपनी के दूसरे कर्मचारी एग्जीक्यूट करते हैं। कई बार हमने ये भी देखा है कि कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह से बाजार में आते हैं कि आते ही वो काफी पॉपुलर हो जाते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं कि जिसकी एंट्री से ही कॉम्पिटिटर का मार्केट पूरा तहस नहस हो जाता है। रिलायंस जियो का एग्जाम्पल हम सभी जानते हैं। जिस तरह से रिलायंस जियो ने भारतीय टेलीकॉम्युनिकेशन इंडस्ट्री में एंट्री की, इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों की हालत ही खराब हो गई।
एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन जैसी कंपनियों को हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। मामला इतनी हद तक आगे बढ़ गया कि खुद ट्राई TRAI को भी बीच में आना पड़ा और एक सही पॉलिसी तय करनी पड़ी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कभी कभार कंपनी की कुछ पॉलिसी और कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी होती है जो कि इंडस्ट्री में चल रहे ट्रेंड को पूरी तरह से बदल देती है। रिलायंस जियो की एंट्री के बाद कई कंपनियों के लिए मार्केट में अपने मार्केट शेयर को बनाए रखने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ये बात इस बात का सबूत है कि रिलायंस जियो की स्ट्रेटेजी कितनी पावरफुल थी। एक बिजनेसमैन होने के नाते आपको ऐसी ही पॉलिसी बनानी पड़ती है जो कि इंडस्ट्री में एक तरीके से बदलाव ला सके, जिसका फायदा न सिर्फ कंपनी को हो बल्कि इंडस्ट्री, सरकार और उसके कस्टमर को भी हो। साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि रिलायंस जियो ने जिस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट किया वो काफी असरकारक रहा और जिसके चलते इंडस्ट्री को एक अलग ही ट्रेंड अपनाना पड़ा। ये तो है रिलायंस जियो की स्ट्रेटेजी के एग्जीक्यूशन की बात। कभी कभार कंपनी की एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी काम भी नहीं कर पाती और कंपनी की हालत बदतर हो जाती है। कंपनी द्वारा मार्केट में जो स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट की जाती है उसे ग्राहकों की तरफ से ज्यादा प्रतिसाद नहीं मिलता और प्रोडक्ट्स मार्केट में आते ही बिक जाता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद कंपनी की स्ट्रेटेजी सही ना हो या फिर कंपनी ने अपनी स्ट्रेटेजी को सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं किया हो। इसका तीसरा और अंतिम कारण ये भी हो सकता है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पर आपका प्रोडक्ट खरा नहीं उतर पाया। कारण जो भी हो, इतना तो तय है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। जो भी गड़बड़ी हुई है उसमें सुधार कर आगे बढ़ना ही कंपनी के लिए फायदेमंद है। बदलाव की बात चल रही है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी हर बार अपनी स्ट्रेटेजी में ही बदलाव लाए। कभी कभी सरकार द्वारा कुछ कानूनी फेरबदल कर दिए जाते हैं, कभी कॉम्पिटिटर्स की वजह से इंडस्ट्री का ट्रेंड बदल जाता है, कभी कोरोना जैसी महाबीमारी आ जाती है तो कभी तूफान या साइक्लोन आ जाते हैं। कहने का मतलब इतना ही है कि कभी कभार एक्सटर्नल एनवायरमेंट में भी फेरबदल होने की वजह से कंपनी को काफी कुछ बदलना पड़ता है। कंपनी की अच्छी से अच्छी पॉलिसी भी कोरोना जैसे काल के दौरान काम नहीं कर रही थी और ये हम सब देख ही चुके हैं। इस दौरान हमने ये भी देखा कि कंपनियों का कामकाज सिर्फ कंपनी की ऑफिस में जाकर ही हो सके ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आज कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट अपने रेगुलर कामकाज के दौरान अपना लिया है। कुछ कंपनियों ने अलग तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई, जैसे कि हफ्ते में 3 दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस और बाकी के 3 दिन वर्क फ्रॉम होम। कंपनी द्वारा लाए गए इस तरह के बदलाव से कंपनी के कर्मचारियों में एक तरह की फीलिंग्स जन्म लेती हैं। कर्मचारी ये सोचने लगता है कि कंपनी उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में सोच रही है। इसी सोच विचार के चलते एक एम्प्लॉय कंपनी के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने लगता है और कंपनी की पॉलिसी को सही तरह से एग्जीक्यूट करने में मदद करेगा। दूसरी ओर देखा जाए तो हर इंडस्ट्री में कुछ न कुछ फेरबदल हो ही रहे हैं, फिर चाहे वो इंडस्ट्री साइंस इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टाटा ग्रुप ने नैनो कार लाकर एक छोटे परिवार के पास भी 4-व्हीलर गाड़ी हो इस सपने को पूरा कर दिखाया। टाटा ग्रुप के इस कमिटमेंट को देखकर कई और दूसरे कॉम्पिटिटर्स ने भी 1 लाख रुपए के आसपास की एक छोटी नैनो कार जैसी कार को मार्केट में उतारने का फैसला लिया। कंपनियों के बीच में हो रहे इस कॉम्पिटिशन का फायदा ग्राहकों को ही मिल रहा है। एक और टाटा ने नैनो कार लाकर बाजार में उतार दी, वही दूसरी कंपनियां भी इसी तरह की छोटी गाड़ी लाकर कस्टमर्स को एक और सस्ता टिकाऊ 4-व्हीलर गाड़ी का ऑप्शन उपलब्ध करवा रही है। 4-व्हीलर इंडस्ट्री में भी आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है और वो ट्रेंड है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ट्रेंड को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी को कई सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भारत में शुरू होते हैं तो उसके लिए पावर स्टेशन कहाँ कहाँ होंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के चार्जेस कितने होंगे, सरकार से लेकर सामान्य जनता तक किसको कितना फायदा हो सकता है, इन सारी बातों पर कामकाज किया जा रहा है। अगर इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की स्ट्रेटेजी को सही तरह से इंडस्ट्री में एग्जीक्यूट किया जाए तो बेशक वो दिन दूर नहीं जब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का सेगमेंट भारत देश में अपना एक अलग मुकाम हासिल कर पाएगा। एग्जीक्यूशन की बात हो तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी कहां पीछे रह सकती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आए दिन कभी भी कोई भी बदलाव हो सकते हैं। इस इंडस्ट्री में हो रहे बदलाव को सबसे ज्यादा कस्टमर्स ही पसंद करते हैं।
गौर करने वाली बात यह है कि कंपनी को भी इस बात की पूरी जानकारी रखनी चाहिए कि उन्हें अपनी कौन सी प्लानिंग इम्प्लीमेंट करनी है और जिसकी वजह से वो अपना मार्केट शेयर बढ़ा सके और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। हाँ, हर एक कंपनी को इतना जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि ये सब कुछ एक टीम वर्क है, ना सिर्फ एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जिम्मेदारी है और ना ही कंपनी के किसी एक कर्मचारी की जिम्मेदारी है। किसी भी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने से पहले और इंडस्ट्री में किसी भी बदलाव को लागू करने से पहले कंपनी को पूरी तरह से रिसर्च करनी चाहिए ताकि वो सही तरह से मार्केट में टिक सके और अपना प्रोडक्ट बेच सके। सही काम के लिए सही लोग जरूरी हैं। अगर मैं ये सवाल पूछती हूँ कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का एंग्री यंग मैन कौन है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? बेशक अमिताभ बच्चन की तस्वीर आपकी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर इंसान की एक छवि ऑलरेडी हमारे दिमाग में तय हो चुकी होती है। बिजनेस सेक्टर में भी यही बात लागू होती है। हर एक इंसान कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए अपॉइंट होता है, यानी कि जिस इंसान में जिस चीज की अच्छी क्वालिटी मौजूद होती है उसे उसी तरह के काम के लिए अपॉइंट किया जाता है। अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं तो आप कंपनी का अकाउंट अच्छी तरह से संभाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने MBA किया है तो आप कंपनी के कामकाज को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, उसके मैन पावर को और दूसरे कामकाज को मैनेज कर सकते हैं। कहने का मतलब इतना ही है कि इट इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द कंपनी टू अपॉइंट द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। जी हाँ, अगर सही व्यक्ति को सही जगह अपॉइंट नहीं किया गया तो कंपनी को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसी कम पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर कंपनी का हिसाब किताब संभालने को दे दिया जाए तो आपका मुनाफा नुकसान में कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं अगर अच्छे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति को मशीन चलाने के लिए बिठा दिया जाए तो बेशक कंपनी का प्रोडक्शन तो सफर होगा ही, साथ ही साथ उस इंसान की क्वालिफिकेशन पर भी सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। एक कंपनी के लिए और खासकर कंपनी के लीडर यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए ये ध्यान में रखना बेहद जरूरी है कि वो जब किसी भी एम्प्लॉय की अपॉइंटमेंट करे तो उसे उसकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के आधार पर ही काम अलॉट करे, क्योंकि सही व्यक्ति अगर सही पोजीशन पर अपॉइंट किया जाए तो वो कंपनी के लिए ही फायदेमंद साबित होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कहीं भी वैकेंसी के लिए एडवर्टाइजमेंट दी जाती है तो उसके साथ जॉब डिस्क्रिप्शन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट लिखी होती है। इन डिटेल्स को देने के पीछे का कारण यही है कि सही व्यक्ति को सही पोजीशन के लिए अपॉइंट किया जा सके। जिस तरह MBA किए हुए व्यक्ति को मेडिकल इंडस्ट्री में डॉक्टर के तौर पर अपॉइंट नहीं किया जा सकता, उसी तरह किसी सिविल इंजीनियर को पायलट बनाकर हवाई जहाज उड़ाने के लिए नहीं भेजा जा सकता। एक लीडर होने के नाते आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आप किस तरह का एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहते हैं और किस तरह के रोल के लिए, किस तरह के एग्जीक्यूटिव की आपको रिक्वायरमेंट है। आपके पास इन सवालों का जवाब है तो ही आप सही पोजीशन पर सही एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, वरना हर वक्त आपकी रिक्रूटमेंट गलत ही होगी। हमने कई बार देखा भी है कि लीडर्स को कुछ जानकारी नहीं होती और वो सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट पर भरोसा करते हुए बैठे रहते हैं। जानकारी के अभाव में लीडर सही कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं कर पाते और कभी कभी ये भी देखा गया है कि वो दो लोगों के बीच में भी कंपैरिजन नहीं कर पाते। यहाँ कंपैरिजन का मतलब है कि कौन सा कैंडिडेट हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही है। दूसरा एक कारण ये भी है कि किसी भी कैंडिडेट के सिलेक्शन प्रोसेस से लीडर का कोई लेना देना नहीं है। इसकी वजह से कई बार ये भी होता है कि जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट किया जाता है उसे लीडर अपना लेता है, भले उस कैंडिडेट के पास में रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो या ना हो। लीडर के इसी स्वभाव की वजह से कंपनी को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर सही कैंडिडेट को सिलेक्ट करने में परेशानी हो रही है तो ये सवाल खड़ा होता है कि कंपनी को कैसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करना चाहिए। ये सवाल सुनने में तो काफी आसान लग रहा है, लेकिन है उतना ही डिफिकल्ट। जी हाँ, हर एक कंपनी की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही उसे सही कैंडिडेट का सिलेक्शन ना होने पर कंपनी द्वारा किए जाने वाले ट्रेनिंग के खर्चे बढ़ सकते हैं, लेबर टर्नओवर रेशियो भी इसकी वजह से बढ़ सकता है। वहीं दूसरी ओर कैंडिडेट को भी पर्सनली कुछ ज्यादा लाभ नहीं हो पाता। कभी कभार तो ये भी होता है कि कुछ रेफरेंसेस की वजह से कुछ कैंडिडेट्स को बगैर इंटरव्यू के सिलेक्ट कर लिया जाता है। उस कैंडिडेट को एक ऐसे लीडर के अंडर में रखा जाता है जो कि कंपनी के प्रति वफादार होता है। ऐसे में उस कैंडिडेट और लीडर के बीच में अच्छे रिलेशनशिप का होना काफी ज्यादा मायने रखता है।
अगर रेफरेंस से आए हुए कैंडिडेट के पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उस कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कंपनी के लिए और कंपनी के मैनेजमेंट के लिए ये बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। कंपनी को आगे बढ़ना होता है, अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी होती है और कैंडिडेट को सेलेक्ट करना होता है। कई बार हमने देखा है कि कंपनी ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है कि वो दो कैंडिडेट में से किसी एक कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं कर सकती। दोनों कैंडिडेट अपनी जगह पर बेहद ही अच्छे हैं, लेकिन दोनों में से कौन सा कैंडिडेट कंपनी के लिए अच्छा है ये डिसाइड करना कंपनी के लिए मुश्किल हो जाता है। इस बात को आइए एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी में रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है और कंपनी ने दो कैंडिडेट को फाइनल राउंड में सेलेक्ट किया है। रिक्रूटमेंट सिर्फ एक ही पोजीशन के लिए है। कंपनी ने जो दो कैंडिडेट सेलेक्ट किए हुए हैं उसमें से पहले कैंडिडेट का आईक्यू जबरदस्त है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफी बढ़िया है, लेकिन कभी कभार वो कैंडिडेट सही डिसीजन लेने में गलतियां कर देता है। दूसरा कैंडिडेट जो आया हुआ है उसका आईक्यू लेवल थोड़ा कम यानी कि एवरेज है, लेकिन ये कैंडिडेट एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि सही वक्त पर सही डिसीजन लेने में माहिर है। अब ऐसे में कंपनी के लिए सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है कि वो कौन से कैंडिडेट को सेलेक्ट करे। उस कैंडिडेट को जिसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आईक्यू सबसे टॉप पर है, या उस कैंडिडेट को सेलेक्ट करे जो सही वक्त पर सही डिसीजन लेने में माहिर है। हम सबको लगता होगा कि कंपनी को शायद पहले कैंडिडेट को सेलेक्ट करना चाहिए जिसका आईक्यू लेवल सबसे अच्छा है, क्योंकि सही आईक्यू लेवल होने की वजह से एक व्यक्ति किसी भी डूबती हुई कंपनी को ऊपर ला सकता है। लेकिन दोस्तों, हमारी ये थिंकिंग गलत है। कंपनी के लिए कंपनी की नजर में उस कैंडिडेट की वैल्यू सबसे ज्यादा है जो सही वक्त पर सही डिसीजन ले सकता है, यानी कि कंपनी को उस कैंडिडेट को सेलेक्ट करना चाहिए जो कि सही वक्त पर सही डिसीजन लेने में माहिर है। भले ही उस बंदे का आईक्यू लेवल कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका होने वाला लीडर सही वक्त पर सही डिसीजन लेने में माहिर है तो बेशक वो आपको बुरे वक्त में संभाले रखेगा। आपकी गलत स्ट्रेटेजी या गलत प्लानिंग को भी सही तरह से एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है या आपकी गलत स्ट्रेटेजी में क्या चेंजेस होने चाहिए, इस बात को समझकर उसमें कुछ फेरबदल लाकर वो सही तरह से एग्जीक्यूट कर सकेगा। दोस्तों, इस किताब में हम एग्जीक्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं और अगर हम इस किताब के शीर्षक को ठीक तरह से देखें तो एग्जीक्यूशन के बाद में लिखा गया है कि द डिसिप्लिन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। एग्जीक्यूशन एक ऐसे डिसिप्लिन है जो हमें दूसरों से काम करवाने में मदद करती है। जैसे जैसे आप दूसरों से काम निकलवाते रहेंगे वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस तो बढ़ता ही जाएगा, साथ ही साथ आप में एक तरह से कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाएगा। एक लीडर के लिए इस बात को अगर दूसरे शब्दों में कहें तो द मोर दे सक्सीड इन गेटिंग थिंग्स डन द मोर दे इंक्रीज देयर कैपेसिटी। एग्जीक्यूशन इज इक्वल टू स्ट्रेटेजी प्लस ऑपरेशंस प्लस पीपल। इस किताब की शुरुआत में ही हमने तीन मुद्दों को आपके सामने रखा था, जिसमें हमने कहा था कि एग्जीक्यूशन का मतलब होता है स्ट्रेटेजी, ऑपरेशन और पीपल, इन तीनों को साथ में लेकर चलना। किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए इन तीन चीजों का होना बेहद जरूरी होता है। अब इन तीन चीजों की बातें करें तो एक कंपनी के तौर पर हमें क्या क्या शामिल करना चाहिए, आइए इस मुद्दे पर नजर डालते हैं। सबसे पहले अगर स्ट्रेटेजी प्रोसेस की बात करें तो द स्ट्रेटेजी प्रोसेस डिफाइंस वेयर आवर बिजनेस वांट्स टू गो। कंपनी की स्ट्रेटेजी में कंपनी का लक्ष्य छुपा हुआ होना चाहिए। अगर कंपनी अपनी इंडस्ट्री में नंबर वन पोजीशन पर आना चाहती है तो कितने साल में कितना मार्केट शेयर वो अचीव करना चाहती है, इसके लिए कंपनी कितने प्रोडक्ट्स बेचेगी, क्या दाम पर बेचेगी, किसको बेचेगी, इन सारी बातों का क्लियर आइडिया उसके पास होना चाहिए। यानी कि सही विजन होने के बाद ही कंपनी आगे बढ़ सकती है और सही स्ट्रेटेजी तय कर सकती है। कंपनी का टारगेट चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए, कंपनी का टारगेट उसके दिलो दिमाग में तय और क्लियर होना चाहिए। कंपनी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले उसकी स्ट्रेटेजी उसके टारगेट के साथ तय होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये सारी बातें किसी कंपनी के लिए ही एप्लीकेबल हों, एक इंसान के लिए भी ये सारी बातें एप्लीकेबल हो सकती है। मान लीजिए किसी इंसान को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है और इस बार उसका टारगेट है लेह लद्दाख का टूर करना। अब यहाँ उस इंसान की स्ट्रेटेजी प्रोसेस ये कहता है कि उसका टारगेट लेह लद्दाख का तय हो चुका है, अब लेह लद्दाख तक कैसे पहुंचना है
ये सब ऑपरेशन प्रोसेसर में शामिल किया जाता है। ऑपरेशन प्रोसेस पर जाने से पहले स्ट्रेटेजी प्रोसेस में हमें ये जानना बेहद जरूरी होता है कि जो प्रोसीजर एक इंसान ने या एक कंपनी ने अपने लिए बनाया है वो कितना सही है। अगर लेह लद्दाख जाने का प्रोसीजर गर्मी के सीजन में या बारिश के मौसम में किया जाता है तब बेशक टूर उतना असरकारक साबित नहीं होगा जितना होना चाहिए, उतनी असरकारक साबित नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। इसलिए हमें सही मौसम में इस जगह का टूर करना चाहिए। सही समय पर सही स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने में ही आप सफल हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हमारा दूसरा मुद्दा है ऑपरेशन प्रोसेस। ऑपरेशन प्रोसेसिंग का काम होता है कंपनी द्वारा जो भी स्ट्रेटेजी तैयार की गई है उसे सही रास्ते पर ले जाना। यानी दीज ऑपरेटिंग प्लान्स आर टिपिकली बेस्ड ऑन अ बजट दैट हैज बीन प्रीवियसली प्रिपेयर्ड एंड इन द ऑपरेटिंग प्लान द लीडर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द सीमलेस ट्रांजिशन फ्रॉम स्ट्रेटेजी टू ऑपरेशंस। अगर कंपनी की स्ट्रेटेजी है कि उसे अपनी इंडस्ट्री में नंबर वन पोजिशन पर आना है तो इसके लिए कंपनी को कौन से माध्यम का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से प्रोडक्ट बेचने चाहिए, एडवर्टीजमेंट पर कितना खर्च करना चाहिए, कितनी रिसर्च करनी चाहिए, इन सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। इन शॉर्ट अगर स्ट्रेटेजी प्रोसेस आपको आपका टारगेट दिखाती है तो ऑपरेटिंग प्रोसेसर आपको उस टारगेट तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। तीसरे और आखिरी प्रोसेस यानी कि पीपल प्रोसेस की बात करें तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसके बगैर कंपनी की कोई भी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। बीते एपिसोड में हमने जो बात की है वो की है कि सही पोजीशन पर सही कैंडिडेट का होना बेहद जरूरी है और सही कैंडिडेट को सही ट्रेनिंग देना भी उतना ही जरूरी होता है। इन सारी बातों का ब्यौरा हम पीपल प्रोसेस के साथ जोड़ सकते हैं। कंपनी का टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए उससे पीपल प्रोसेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी के लिए मैन पावर उतनी ही जरूरी होती है जितना एक गाड़ी के लिए पेट्रोल का होना। बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चल सकती, उसी तरह बिना एम्प्लॉयज के कंपनी नहीं चल सकती। इन तीनों स्ट्रेटेजी को समझने के बाद हमारे लिए ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि इन तीन प्रोसेस को एक साथ लाकर किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है। स्ट्रेटेजी प्रोसेसर को ऑपरेशन और पीपल प्रोसेस के साथ जोड़ना, ऑपरेशन प्रोसेसर को स्ट्रेटेजी और पीपल प्रोसेसर के साथ जोड़ना और अंत में पीपल प्रोसेस को स्ट्रेटेजी और ऑपरेशन प्रोसेस के साथ जोड़ना। शुरुआती समय में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। स्ट्रेटेजी प्रोसेस में एक कंपनी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा इवैल्यूएट कर सकती है। जैसे कि हमने आगे भी बात की है कि कंपनी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी सारी अनकंट्रोलेबल बातें होती हैं उसे शामिल किया जाता है। कंपनी का अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर कोई जोर नहीं रहता। पॉलिटिकल सिनेरियो हो या सोशल इशू, कुदरती आफत हो या दो देशों के बीच में हो रही जंग, कंपनी का इन सारी बातों पर कोई कंट्रोल नहीं होता। ऐसे में कंपनी की स्ट्रेटेजी अपने ऑपरेटिंग और पीपल प्रोसेस के साथ कैसे ताल से ताल मिलाकर आगे बढ़ सकती है ये देखना कंपनी के लिए बेहद जरूरी होता है। कंपनी को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी वो अपनी स्ट्रेटेजी या अपने प्लान को एग्जीक्यूट करती है तब उन्हें कस्टमर के पास से और मार्केट से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। कस्टमर से मिलने वाले रिस्पॉन्स को देख कर ही कंपनी अपनी आगे की रणनीति बना सकती है। अगर कस्टमर को किसी एक कंपनी की सर्विस पसंद आ रही है तो इसका मतलब साफ है कि दूसरी कंपनियों को भी मार्केट में टिके रहने के लिए कुछ वैसी ही सर्विसेज लानी होंगी। अगर आप उसी तरह की सर्विस नहीं दे पा रहे हैं तो एक कंपनी के तौर पर आपका मार्केट में टिके रहना मुश्किल हो जाता है। मार्केट में टिके रहने के लिए आप जो भी दांव पेच करें या जो भी नई स्ट्रेटेजी बनाएं वो सब ऑपरेटिंग प्रोसेस में शामिल हो सकती है। इसलिए यहाँ ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि स्ट्रेटेजी को सही ढंग से बनाकर एग्जीक्यूट करना ही कंपनी के लिए फायदेमंद है। हाँ, अगर आपकी स्ट्रेटेजी शॉर्ट टर्म के लिए है तो बेहतर यही होगा कि आप वक्त वक्त पर अपनी स्ट्रेटेजी को बदलें या उसे इवेल्युएट करें ताकि उसमें जरूरी फेरबदल करते हुए आप सही स्ट्रेटेजी को अपना पाए और उसे एग्जीक्यूट कर पाए। लॉन्ग टर्म के लिए आपकी स्ट्रेटेजी कुछ सालों तक एक समान रह सकती है लेकिन ये बात भी तभी पॉसिबल हो सकती है जब कंपनी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का फेरबदल ना हो। कंपनी को अपनी सही स्ट्रेटेजी यूज करने से पहले ये भी देखना जरूरी होता है कि वर्ल्ड मार्केट में कौन सा ऐसा देश है जहां कंपनी का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल आउट हो सकता है। आज की तारीख में वर्ल्ड मार्केट में चीन और भारत सबसे पसंदीदा मार्केट में से एक है
उसमें भी कोविड-19 के बाद चीन की पॉपुलैरिटी कम हो चुकी है और भारत में कई बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही हैं। इस बात को साबित करने के लिए एक एप्पल का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। आईफोन और आईपैड बनाती एप्पल कंपनी भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने जा रही है। इसका सीधा मतलब यही है कि एप्पल कंपनी के फोन अब भारत में बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से भारतीय ग्राहकों को कुछ किफायती दामों पर आईफोन मिल पाएंगे। कंपनी को भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हुए अच्छा मार्केट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ कंपनी के प्रोडक्ट्स के इम्पोर्ट पर जो भी टैक्स लगता था वो भी कम हो जाएगा। इन सारे बेनिफिट की वजह से बेशक कंपनी का प्रोडक्ट सस्ता तो होगा ही, साथ ही साथ कंपनी को सस्ते लेबर्स भी मिल पाएंगे। कैसे करें स्ट्रेटजी को रिव्यू? लैरी बॉसिडी और रामचरण की एग्जीक्यूशन द डिसिप्लिन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन में अब तक हमने जाना कि कैसे हम एक स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हमें किसी भी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के दौरान क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हमने ये भी समझा कि एक स्ट्रेटजी या एक प्लानिंग कंपनी के लिए कितनी जरूरी होती है और उससे भी ज्यादा जरूरी होता है उस प्लानिंग या उस स्ट्रेटजी का सही एग्जीक्यूशन। स्ट्रेटजी के बारे में हमने सब कुछ जान लिया, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी जब एग्जीक्यूट होती है तब उस स्ट्रेटजी को सही तरह से एग्जीक्यूट किया गया है कि नहीं, इस बात का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है और स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट होने के बाद उसे रिव्यू भी करना पड़ता है। स्ट्रेटजी रिव्यू होने के बाद ही हमें पता चल पाता है कि हमारी स्ट्रेटजी सही तरह से एग्जीक्यूट हुई या नहीं। अगर स्ट्रेटजी सही तरह से एग्जीक्यूट हुई है तो परेशानी की कोई बात नहीं रहती, लेकिन अगर हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो बेशक हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेरबदल करने की जरूरत है और इस फेरबदल की जरूरत हमें रिव्यू करने के बाद ही पता चलेगी। अब सवाल आता है कि स्ट्रेटजी को रिव्यू कैसे किया जाए। जिस तरह बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों में स्ट्रेटजी बनाने के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, उसी तरह स्ट्रेटजी को रिव्यू करने के लिए भी एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, लेकिन जहां एक्सपर्ट्स को नहीं बुलाया जाता वहां अक्सर कंपनियों के हायर अथॉरिटी यानी कि चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आकर कंपनी की स्ट्रेटजी पर डिस्कशन करते हैं। ऐसा हमने कई बार देखा भी है कि कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड भी इस मीटिंग में शामिल होते हैं और साथ मिलकर कई मुद्दों पर डिस्कशन करते हैं। मार्केटिंग मैनेजर अपनी मार्केटिंग पॉलिसी लेकर सबके सामने आता है और उसे क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा इस बारे में बात करता है। फाइनेंस मैनेजर अपनी परेशानी बयां करता है, तो वहीं एचआर मैनेजर अपनी परेशानी बयां करता है। ऐसे सिचुएशन में कंपनी के हायर अथॉरिटीज जब स्ट्रेटजी को रिव्यू करने बैठते हैं तब उन्हें एक्चुअल में जो भी परेशानियों का सामना करना पड़ा था वो सब दिखाई देती हैं। स्ट्रेटजी बनाने से पहले कंपनी ने कुछ धारणाओं के आधार पर अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी, लेकिन जब उस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने का दिन आया तब एक्चुअल में कंपनी को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा वो मालूम पड़ जाता है। उदाहरण के रूप में कहा जाए तो जब कंपनी ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी उस वक्त देश की सरकार ने टैक्सेशन पॉलिसी में किसी भी तरह का फेरबदल नहीं किया था, लेकिन जब कंपनी अपने 5 साल की स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर रही थी तब सरकार ने 2 साल में ही अपनी पूरी टैक्सेशन पॉलिसी बदलकर GST को लागू कर दिया। ऐसी सिचुएशन में कंपनी ने अपने 5 साल के जो भी टारगेट बनाए थे पॉसिबल है कि वो सब अचीव ना हो पाए और ये भी पॉसिबल है कि कंपनी उससे ज्यादा भी अचीव कर ले। ये सब कुछ कंपनी कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रही है उस बात पर निर्भर करता है। कोविड महामारी के दौरान काफी इंडस्ट्री ठप हो गई थी, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रही थी। उस दौरान देश दुनिया में दवाइयों की काफी ज्यादा जरूरत थी और हर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, इसलिए घर में ही इस्तेमाल होने वाले इंटरनेट की मांग बढ़ रही थी, जिसका सीधा फायदा टेलीकॉम कंपनियों को और इंडस्ट्री को हुआ। ज्यादातर हमने देखा है कि जब स्ट्रेटजी रिव्यू करने के लिए कंपनी के हायर अथॉरिटीज इकट्ठा होते हैं तब हर डिपार्टमेंट के मैनेजर अपनी अपनी परेशानी लेकर सामने आते हैं और मैनेजमेंट के सामने रखते हैं। कई बार स्ट्रेटजी क्यों फेल हुई इस बारे में प्रेजेंटेशन भी दिया जाता है, जिस पर अथॉरिटीज कुछ ज्यादा जानकारी नहीं प्राप्त कर सकती। कहने का मतलब इतना ही है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर अपनी अपनी परेशानियों का रोना तो रो लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में स्ट्रेटजी कहाँ फेल हुई इस बारे में कोई बात नहीं करता। कंपनी के हायर अथॉरिटीज को भी इस बात से दूर ही रखा जाता है, जिसकी वजह से वो भी अंधेरे में रहते हैं और स्ट्रेटजी में कहां प्रॉब्लम है ये समझ नहीं पाते हैं। ये समस्या काफी कॉमन है।
और इसलिए कंपनी को कभी कभार एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक्सपर्ट्स की जरूरत ना भी हो तो कंपनी एक अच्छी स्ट्रेटेजी रिव्यू टीम बना सकती है और कंपनी में हो रही परेशानियों को दूर कर सकती है। कंपनी को अपनी पॉलिसी, अपनी स्ट्रेटेजी रिव्यू करने के लिए एक ऐसी प्लानिंग करनी पड़ती है जिसमें हर कोई शामिल हो। डिपार्टमेंटल मैनेजर आकर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देकर चले जाए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। कंपनी को ब्रेनस्टॉर्मिंग या ग्रुप डिस्कशन का माध्यम भी अपनाना चाहिए। मैनेजमेंट गुरुओं से हमने कई बार सुना है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग या ग्रुप डिस्कशन कंपनी के लिए कुछ ऐसे रास्ते खोल देता है जो कभी उनके ध्यान में नहीं होते। कहने का मतलब इतना है कि अगर कंपनी के एम्प्लॉयज अपने मैनेजर और दूसरे एग्जीक्यूटिव्स के साथ मिलकर किस मुद्दे पर ब्रेनस्टॉर्मिंग या ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो उनमें से ही उन्हें प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल सकता है। कहते हैं कि इंसान एक होता है लेकिन किसी एक मुद्दे को लेकर उसका दिमाग 100 तरह के अलग अलग विचार ला सकता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग या ग्रुप डिस्कशन में कंपनी के एग्जीक्यूटिव प्रैक्टिकल तौर पर क्या परेशानियां उन्हें फेस करनी पड़ी है इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। इन चर्चाओं में ही वो एक दूसरे से सवाल कर सकते हैं, एक दूसरे की थिंकिंग पर कटाक्ष कर सकते हैं, अपने खुद की थिंकिंग दूसरों के सामने रख सकते हैं और भी काफी कुछ कर सकते हैं। कहने का मतलब इतना है कि बात करने से ही बात बनती है और ये बातचीत ही किसी ठोस फैसले पर पहुंचने में कंपनी को मदद करेगी। अपनी स्ट्रेटेजी रिव्यू करने के दौरान कंपनी को यह भी पता चल पाएगा कि स्ट्रेटेजी बनाने से पहले उसने जो भी एक्सपेक्टेशन रखी थी वो कितनी हद तक सही थी। अगर आज के दौर में कोई फिल्म प्रोड्यूसर ये सोचे कि मैं एक ऐसी बॉलीवुड फिल्म बनाऊंगा जिसमें एक भी गाना ना हो और ये फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत सकेगी, तो शायद उसकी ये सोच प्रैक्टिकल लेवल पर एक हद तक सही भी हो सकती है। लेकिन जब बिना किसी गाने के बनी फिल्म ऑडियंस के सामने आती है तो मार्केट में आते ही वो पिट जाती है। ऑडियंस उसे एक्सेप्ट नहीं करती। कहने का मतलब ये है कि चाहे फिल्म प्रोड्यूसर हो या कंपनी का CEO, सिर्फ एक लीडर की थिंकिंग के आधार पर हर किसी की जरूरतों का जजमेंट नहीं लगाया जा सकता। एक कंपनी को कस्टमर की रिक्वायरमेंट ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना पड़ता है। कंपनी अपने दिलो दिमाग में स्ट्रेटेजी बनाती है, उसमें कोई दो राय नहीं या उसमें कोई बुराई भी नहीं, लेकिन एक स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके या उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। हर तरफ रखिए नजर। इतना तो हम जानते ही हैं कि एक कंपनी का टारगेट हमेशा से ही प्रॉफिट कमाना होता है। हमने आसपास अपने कई ऐसी कंपनियां भी देखी हैं जो शॉर्टकट अपनाकर जल्द से जल्द प्रॉफिट कमाना चाहती हैं, और कुछ ऐसी कंपनियां भी देखी हैं जो कई पीढ़ियों से काम करती आ रही हैं और एक इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही मुकाम बनाकर बैठी हैं। प्रॉफिट के अलावा दूसरी बात करें तो कंपनी को जब एक स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है तब उसे कई सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, और ये सारी बातें क्या क्या होती हैं इस बारे में हम बीते एपिसोड में काफी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। तो इस सेक्शन में हम बात करेंगे एक कंपनी को स्ट्रेटेजी बनाने के दौरान किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। कंपनी का अपना खुद का टारगेट फिक्स होता है, इस बारे में कोई दो राय नहीं, लेकिन कंपनी को इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि उसका टारगेट ऐसा होना चाहिए जिसे वो अचीव कर सके। साल भर में 10 लाख रुपए कमाने वाली कंपनी अगर ये सोचे कि वो अगले 2 साल में 100 करोड़ का प्रॉफिट करना चाहती है तो शायद ये विचार ही गलत होगा, या विचार गलत होना कहने की बजाय हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का टारगेट उसके लिए अगले 2 साल के अंदर प्राप्त करना नामुमकिन है। वो इसलिए क्योंकि कंपनी पिछले 5 सालों में जो काम करती आ रही है उसके आधार पर उसने ये 10 लाख रुपए के आंकड़े तक अपनी पहुंच बनाई है। आने वाले 2 साल में 100 करोड़ रुपए कमाना नामुमकिन है। हाँ, बेशक कंपनी 100 करोड़ रुपए कमा सकती है, लेकिन उसके लिए 2 साल से ज्यादा का समय लगेगा। कहने का मतलब इतना ही है कि कंपनी का टारगेट ऐसा होना चाहिए कि जिसे वो सच में हासिल कर सके। हवाई बातों से कुछ नहीं होने वाला। कंपनी का टारगेट या कंपनी की स्ट्रेटेजी फिजिबल होनी चाहिए जिसे सच में अचीव किया जा सके। इसके अलावा कंपनी को अपनी कंटिंजेंसी प्लान भी तैयार रखने चाहिए। कंटिंजेंसी प्लान वो होते हैं जो मुश्किल हालात में एग्जीक्यूट किए जा सके। कंटिंजेंसी प्लान का होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कंपनी साइड बाय साइड कंटिंजेंसी प्लान लेकर चलती है तो ये कंपनी के लिए ही फायदेमंद है। कंटिंजेंसी सिचुएशन कहकर नहीं आती, लेकिन अगर कंपनी ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार होती है तो कंपनी उस वक्त के दौरान सरवाइव कर सकती है। COVID-19 महामारी इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोविड महामारी 2 साल तक पूरे विश्व भर को इस तरह झकझोर कर रख देगी कि हर किसी का जीवन बदल कर रह जाएगा। अचानक से आई कोविड महामारी एक कंटिंजेंसी सिचुएशन ही थी,
जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस दौरान कई कंपनियों को ताले लग गए, वहीं कुछ कंपनियों को, कुछ स्टार्टअप को मार्केट में एंट्री करने का मौका मिल गया। ऐसे हालात में जिस किसी भी कंपनी ने कंटिंजेंसी प्लान तैयार रखा था, सिर्फ वही इस मुश्किल हालात में सर्वाइव कर सकी। कंटिंजेंसी सिचुएशन की बात करें तो यूक्रेन और रशिया के बीच हो रहा युद्ध किसी से छिपा नहीं है। इस युद्ध की वजह से विश्व बाजार में काफी प्रोडक्ट्स महंगे हो गए। रशिया के काफी प्रोडक्ट्स पर कई देशों ने बैन लगा दिया। ऐसे में काफी जगहों से रशियन कंपनियों को नुकसान झेलना पड़ा। दूसरे देशों को जो भी इंडस्ट्री रशियन प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट थी, वो भी मुश्किल में आ गई। ऐसे में एक कंपनी को कंटिंजेंसी प्लान इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। किसी कंपनी के लिए ऐसी सिचुएशन में कंटिंजेंसी प्लान यही हो सकता है कि रशियन प्रोडक्ट को छोड़कर वो दूसरे उन देशों के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दे जो बाजार में अवेलेबल हो। हाँ, ऐसी सिचुएशन में पॉसिबल है कि कंपनी को जरूरत के हिसाब से क्वालिटी ना मिले या महंगे दाम पर प्रोडक्ट मिले, लेकिन अगर बाजार में टिकना है तो रिस्क लेकर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हो सकता है इस दौरान आपके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाए, लेकिन कंपनी के तौर पर ये आपको सोचना ही होगा कि आप कौन सी दिशा में किस तरह का कदम उठाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। कई कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो अपनी कंटिंजेंसी प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। ऐसे में ये कम्प्लीटली कंपनी पर आधार रखता है कि वो किस तरह सिचुएशन को हैंडल करना चाहती है। कंटिंजेंसी प्लान के अलावा अगर नॉर्मल सिचुएशन भी है तो इस दौरान भी कंपनी को हर तरफ अपनी नजर रखनी पड़ती है। कस्टमर तो कंपनी के लिए काफी मायने रखता ही है, लेकिन साथ ही साथ कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर पर भी नजर रखनी पड़ती है। कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन सी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग से लेकर रिसर्च तक कितना खर्चा कंपनी कर रही है, कंपनी के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है और उसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन बैठ रहा है, इन सारी बातों की जानकारी कंपनी को होनी चाहिए। अगर कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स की जानकारी नहीं रख सकती तो शायद उसके लिए मार्केट में कॉम्पिटिशन देना काफी मुश्किल हो सकता है। एक कंपनी होने के नाते आपके पास मार्केट में किस तरह से सर्वाइव करना है इस बात की स्ट्रेटेजी तो होती ही है, लेकिन अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजी ध्यान में रखकर आप इतना तो जरूर समझ सकते हैं कि जो थिंकिंग आपकी है, क्या वो थिंकिंग आपकी कॉम्पिटिटर्स की भी है या नहीं। अगर आपकी विचारधारा आपकी कॉम्पिटिटर से अलग है और इंडस्ट्री में आपकी विचारधारा एक नया मोड़ ला सकती है, एक नया ट्रेंड शुरू कर सकती है, तो बेशक आपको अपनी स्ट्रेटेजी, अपने आइडियाज को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आपके द्वारा शुरू किया गया एक नया ट्रेंड इंडस्ट्री को नई दिशा दे सकता है। अगर आपकी नई विचारधारा की स्ट्रेटेजी सही तरह से एग्जीक्यूट हो पाती है तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। इसके लिए आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि आपके कस्टमर्स को किस तरह से खुश कर पाते हैं। कॉम्पिटिटर के मुद्दे पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि हर कंपनी मार्केट में कामकाज शुरू करने से पहले एक SWOT SWOT एनालिसिस जरूर करती है। SWOT एनालिसिस यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। किसी भी इंडस्ट्री में कामकाज शुरू करने से पहले आपको अपनी SWOT एनालिसिस और अपने कॉम्पिटिटर की SWOT एनालिसिस करना बेहद जरूरी है। कंपनी के नाते आप अपने कॉम्पिटिटर्स की वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। इंडस्ट्री में अब तक जो भी नई चीज नहीं हुई है उसे अपनाकर आप एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ मार्केट में बढ़ सकती है। हाँ, आपको अगर संभल कर चलना है तो अपने वीकनेसेस और अपने थ्रेट पर ध्यान देना होगा। सही SWOT एनालिसिस आपके मार्केट में एस्टेब्लिश होने के लिए बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। हाँ, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि वक्त वक्त पर आपको अपनी SWOT एनालिसिस करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपने मार्केट में एंट्री की थी तब आपकी जो वीकनेस थी वो अब आपने ओवरकम कर ली है। कंपनी की ग्रोथ होते होते अब आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी है और आपकी वीकनेस भी बदल गई है। एक कंपनी होने के नाते बात यहाँ पर आकर नहीं रुक जाती, आपको अपनी फाइनेंशियल पोजिशन भी देखनी पड़ती है। एक कंपनी के तौर पर आप जो भी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उस स्ट्रेटेजी के लिए आप कितना फाइनेंस इन्वेस्ट कर सकते हैं या कितना फाइनेंस मार्केट से उठा सकते हैं, इस बात की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक कंपनी की मार्केट स्ट्रेटेजी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी को काफी रिसर्च करना पड़ता है और उसमें ही कई करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। रिसर्च के अलावा कंपनी एडवर्टाइजमेंट के पीछे भी काफी सारा पैसा खर्च करती है। कई करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाती तो एक कंपनी के नाते आपको ही पूरा नुकसान भुगतना पड़ सकता है।
जरूरी नहीं कि हर वक्त कंपनी अपना ही रुपया इन्वेस्ट करे, बल्कि ज्यादातर कंपनियां अक्सर मार्केट से पैसा उधार लेकर ही बिजनेस करना पसंद करती हैं। दोस्तों, ऐसे कई सारे और भी मुद्दे हैं जिस पर एक कंपनी होने के नाते हमें ध्यान रखना पड़ता है। हमने यहाँ फाइनेंस की बात की है, प्रतिस्पर्धी यानी कि कॉम्पिटिटर्स की बात की है, स्वॉट एनालिसिस की बात की है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिसे एक कंपनी को ध्यान में रखना पड़ता है और अपनी स्ट्रेटेजी सही तरह से डिजाइन करनी पड़ती है। नए लीडर्स इस बात का ध्यान रखें। एग्जीक्यूशन, द डिसिप्लिन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन के ऑथर लैरी बॉसिडी और रामचरण अपनी किताब के आखिरी चैप्टर में भविष्य के नए लीडर्स को सलाह दे रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एग्जीक्यूशन के बारे में इतना कुछ जान लेने के बाद लैरी बॉसिडी और रामचरण ने नए लीडर्स को जो सलाह दी है उस पर बात करें तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि एक लीडर के तौर पर आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हाँ, जब आप लीडरशिप की शुरुआत करेंगे तब इस बात की पूरी संभावना है कि आपके पास अनुभव की कमी होगी, और ये भी पॉसिबल है कि आपकी टीम में आपसे भी ज्यादा उम्र के आपसे ज्यादा अनुभवी कैंडिडेट हो सकते हैं। हालांकि ऐसी सिचुएशन में डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको एक लीडर के तौर पर जो आपका टारगेट है उसी दिशा में आगे बढ़ना है। ऐसे में अगर आप कहीं अटकते भी हैं तो आप अपने सीनियर से या फिर अपनी ही टीम के जो ज्यादा अनुभवी कैंडिडेट हैं उनसे सलाह ले सकते हैं। एक लीडर के तौर पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अपने टीम मेंबर को किस तरह साथ में लेकर आपको चलना है। अपनी टीम को एकजुट बनाने के लिए आप ग्रुप डिस्कशन या ब्रेनस्टॉर्मिंग का रास्ता भी अपना सकते हैं। आज के दौर में तो ये काफी कॉमन और माध्यमों में से एक है। किताब की ऑथर इस बात को भी बताना चाहते हैं कि एक लीडर के तौर पर आपको खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस सच में मजबूत है तो आप अच्छी से अच्छी स्ट्रेटेजी को बुरे से बुरे वक्त में भी एग्जीक्यूट कर पाएंगे। जिस तरह मुश्किल हालात में भी एक पायलट पर हवाई जहाज को सही तरह से लैंड करवाने की जिम्मेदारी होती है, उसी तरह कंपनी के लीडर पर भी कंपनी की स्ट्रेटेजी को सही तरह से एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी होती है ताकि कंपनी अपने तय किए हुए लक्ष्य तक पहुंच सके। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक लीडर होने के नाते आपको सेल्फ इवेल्युएशन करना भी जरूरी होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बदौलत जो काम आपने कर दिखाया है उस दौरान आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से कहीं किसी को नुकसान तो नहीं हुआ, ये देखने की जिम्मेदारी भी आपकी ही होती है। सेल्फ इवेल्युएशन आपको बताते हैं कि कहां आपने सही तरह से लीड लिया है और कहां आपने ढील दी है। कहने का मतलब ये है कि जहां आपने अच्छा काम किया होगा और जहां बुरा काम किया होगा, इन दोनों ही बातों को आप सेल्फ इवेल्युएशन की मदद से जान सकते हैं। सेल्फ इवेल्युएशन की मदद से आप ये भी जान पाएंगे कि एक लीडर के तौर पर आपको कहां क्या करने की या किसी भी तरह के फेरबदल की जरूरत है या नहीं। एक लीडर के तौर पर आप जब किसी भी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करते हैं तब आपके वर्किंग पैटर्न से ये भी पता चल पाएगा कि आप अपनी कंपनी को कितना जानते हैं, आपकी कंपनी किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी भी स्ट्रेटेजी को किसी भी कंपनी के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए आगे बढ़ते हैं तब आपके पास कंपनी की कितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या आप कंपनी के टारगेट को कितनी अच्छी तरह से समझ पाए हैं, इस बात को भी सेल्फ इवोल्यूशन की मदद से जाना जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी की पॉलिसी क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट किस तरह से डिसीजन लेता है, कंपनी के एथिक्स क्या है, कंपनी किस तरह के सिचुएशन को हैंडल करना चाहती है, कंपनी की इंडस्ट्री में कैसी रेपुटेशन है, इन सारी बातों को एक लीडर के तौर पर आपको ध्यान में रखना चाहिए। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही आप अपनी स्ट्रेटेजी को सही तरह से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। मान लीजिए किसी FMCG सेक्टर की कंपनी के मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया हुआ है कि वो कभी भी ऐसे सेलिब्रिटीज से अपने ब्रांड एंडोर्स नहीं करवाएगा जो अल्कोहलिक या स्मोकर हो, तो ऐसे में आपको एक लीडर के तौर पर इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखना पड़ता है कि आप ऐसे ही सेलिब्रिटी को अपॉइंट करें जो कंपनी के डिसीजन से मेल खा सके। हाँ, कंपनी की कुछ पॉलिसीज कभी कभी ऐसी भी होती हैं कि एक लीडर के तौर पर आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे सिचुएशन में हार ना मानते हुए आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। मुश्किल परिस्थितियां आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएंगी। हमने अपने जीवन में ये काफी बार सुना होगा कि अच्छे से अच्छा डिसीजन हम बुरे वक्त में ले पाते हैं, या जिस सिचुएशन में प्रेशर सबसे ज्यादा होता है उस सिचुएशन में हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं। अगर आप भी एक लीडर के तौर पर अपना बेस्ट देना चाहते हैं तो मुश्किल परिस्थितियों से घबराए नहीं, बल्कि उसका सामना कीजिए। इसके अलावा लैरी बॉसिडी और रामचरण का मानना है
कि एक लीडर के तौर पर हर किसी का बिहेवियर भी काफी कुछ तय करता है। एक लीडर के तौर पर आप एक टीम को लीड कर रहे हैं और टीम के हर मेंबर और खुद आपका भी बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि हर किसी के साथ वो ताल से ताल मिला सके। आपको अपनी टीम में किस तरह से बिहेव करना है वो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग तय करना पड़ता है। आप अपनी टीम में ज्यादा लिबरल भी नहीं बन सकते और ना ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रह सकते हैं। ज्यादा लिबरल होने की वजह से हर कोई आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा और ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की वजह से आपकी बात को कोई सीरियसली नहीं लेगा। दोनों ही सिचुएशन में आपके लिए आपकी टीम काम तो कर देगी, लेकिन आपके लिए उनके अंदर जो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो उनके मन में कभी पैदा नहीं हो पाएगी। हमने ऐसे कई लीडर्स को देखा है जिनकी रेपुटेशन उनकी टीम में इतनी अच्छी होती है कि उस लीडर की गैर मौजूदगी में भी उस लीडर को याद किया जाता है। टीम वर्क के दौरान आप किस तरह से दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से आपका वॉइस टोन है, किस तरह आपका एटीट्यूड है, इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। इस बात को भी जरूरी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपको लीडरशिप दी गई है तो कंपनी के मैनेजमेंट ने जरूर आप में लीडरशिप के कुछ गुण देखे होंगे। हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस करने वाली कंपनी यूं ही किसी को भी लीडरशिप नहीं दे देती। अगर आपको लीडरशिप दी गई है तो आपको इसे प्रूव करके दिखाना होगा दैट यू आर वन ऑफ द बेस्ट लीडर अमंगस्ट अदर। आप में से कई लोग भविष्य के लीडर बन सकते हैं। एक लीडर के तौर पर आपको इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि आप एक ऐसे लीडर बने जो रिजल्ट सबके सामने लाकर दिखा सके। इन शॉर्ट, आपको रिजल्ट ओरिएंटेड लीडर बनना चाहिए। दैट मींस यू शुड प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड रिजल्ट विद इन द टाइम फ्रेम एंड विद गिवन रिसोर्सेज। अगर आप एक लीडर के तौर पर एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते तो आप एक लीडर के तौर पर फेलियर माने जाएंगे। अगर एक सफल लीडर का एग्जाम्पल देना हो तो इस वक्त भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छा एग्जाम्पल और कोई हो ही नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गुजरात की कायापलट करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। गुजरात को विश्व स्तर पर एक अलग ही लेवल पर ले जाने में नरेंद्र मोदी का किरदार काफी अहम रहा है। नरेंद्र मोदी के राज में गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, इंडस्ट्री डेवलप हुई, गाँव का विकास हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी गुजरात में आने लगी, गुजरात की संस्कृति को देश विदेश के लोग पहचानने लगे। इन सारे कामकाज की वजह से गुजरात को जो फायदा हुआ वो फायदा देश को भी हो, इसलिए नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की कमान सौंपी गई। कहने का मतलब यही है कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जो भी काम किया उसका रिजल्ट हम सबको पूरे विश्व को दिखाई दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक लीडर के तौर पर आपको उन तीनों चीजों का ध्यान में रखना चाहिए जिसकी बात हमने बीते एपिसोड्स में की है। ये तीन चीजें हैं स्ट्रेटेजी, ऑपरेशंस और पीपल। अगर आप सही स्ट्रेटेजी को सही ऑपरेशन के माध्यम से सही एग्जीक्यूटिव की मदद से इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी स्ट्रेटेजी सही तरह से एग्जीक्यूट हो पाएगी और आपको मनचाहा रिजल्ट भी मिल पाएगा। हाँ, एक लीडर के तौर पर इन तीनों में से किसी भी एक को कम आंकने की कोशिश कभी ना करें, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है, आपका ऑपरेशन ऑफ वर्क सही है, लेकिन आपके टीम मेंबर्स आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो आपको फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। अगर आपकी टीम मेंबर्स आपकी बात मानते हैं और आपकी ऑपरेशन प्रोसेस भी सही है लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी ही गलत है तो भी आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। कहने का मतलब यही है कि चाहे आपकी स्ट्रेटेजी प्रोसेस हो, ऑपरेशन प्रोसेस हो या पीपल प्रोसेस हो, आपको इन तीनों चीजों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि आप एक अच्छे लीडर साबित हो सके। दी एंड। स्ट्रेटेजी चाहे कंपनी के लिए बनानी हो या खुद के पर्सनल ग्रोथ के लिए बनानी हो, आपको खुद का लीडर बनकर खुद ही को ऑर्डर देना है और खुद ही उसे एग्जीक्यूट भी करना है। कहने का मतलब यही है कि जो प्रोसेस बनाया गया है उसे सही तरह से समझें और एग्जीक्यूट करें। सबसे पहले अपना टारगेट डिसाइड करें, फिर उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाएं, बनाने के बाद उसे एग्जीक्यूट करें और एग्जीक्यूट होने के बाद उसे रिव्यू जरूर करें। रिव्यू करते दौरान इस बात का खास ख्याल रखें कि किसी भी तरह का फेवरेटिज्म ना करें। अगर आप खुद ही लिबरल होकर अपने कामकाज में 19-20 चलाएंगे तो आपका रिजल्ट भी वैसा ही होगा। अगर आपका टारगेट है कि आपको 20 की आंकड़ों को हासिल करना है तो आप 20 की आंकड़ों को हासिल करके ही रहेंगे। अगर आप 19 पर ही अटक जाते हैं तो आपका टारगेट आपके लिए अचीव नहीं हो पाएगा। अपनी स्ट्रेटेजी को रिव्यू करने के बाद जो भी प्रॉब्लम आपको फेस हुई है उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि जो भी धारणा आपने की थी
वो धारणा कितनी हद तक सच साबित हुई ये देखने का काम भी एक लीडर के तौर पर आपको ही करना है। एग्जीक्यूशन द डिसिप्लिन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन के अंत में ऑथर लैरी बॉसिडी और रामचरण यही कहना चाहते हैं कि किसी भी काम की लीडरशिप आपको सौंपी गई है उसे पूरी निष्ठा से पूरी कॉन्फिडेंस से पूरा करें। एक लीडर के तौर पर आपने जो भी कमिटमेंट किए हैं उस कमिटमेंट को पूरा करें। एक सफल लीडर के तौर पर आपको और क्या चाहिए? आप चाहे कितने भी सफल लीडर क्यों ना हो जाएं, आपको तीन बातों को हमेशा ध्यान रखना है। एक, कस्टमर को क्या चाहिए और क्या नहीं। इस बात की आपको डिटेल में जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरह की जानकारी आपके पास नहीं है तो बाजार में टिकना आपके लिए और आपकी कंपनी के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। दूसरी ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप लगातार रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते रहिए, यानी कि रिजल्ट इम्प्रूव करते रहिए। अगर एक लीडर के तौर पर आप पिछले साल कंपनी को 10 करोड़ का बिजनेस दे पाए हैं तो इस साल आपका टारगेट 10 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। और आखिरी बात, एज अ लीडर बी रियलिस्टिक। कस्टमर के पास से आपको जैसा भी जो भी रिप्लाई मिलता है उसे एक्सेप्ट करें और उसके अकॉर्डिंग काम करें। अगर ज्यादातर कस्टमर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम नहीं है। अब ऐसे में एक लीडर के तौर पर आपको ये देखना होगा कि किस तरह से आप अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं और मार्केट में कॉम्पिटिशन दे सकते हैं। बिजनेस सेक्टर में कई सालों से एक प्रोवर्ब फेमस है जो कहता है कि कस्टमर ही मेरा भगवान है। आज के दौर में भी ये बात 16 आने सच है, क्योंकि अपनी इंडस्ट्री में अपने मार्केट में आप चाहे कितना भी कंपटीशन अपने कॉम्पिटिटर को क्यों ना दे दें, जब तक आपका प्रोडक्ट कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करता तब तक आप एक सफल लीडर या एक सफल बिजनेसमैन नहीं बन सकते। और इन सब के लिए जरूरी है एक सही स्ट्रेटेजी का एग्जीक्यूशन। दोस्तों, देखा जाए तो हमने जो भी बातें की हैं वो सिर्फ एक लीडर के लिए नहीं बल्कि एक आम आदमी के लिए भी बेहद जरूरी होती हैं, क्योंकि हर आदमी अपनी जिंदगी का लीडर होता ही है। हर किसी के अपने टारगेट अलग होते हैं, हर किसी की जिंदगी अलग होती है, हर कोई अलग परिस्थितियों में जीता है। इसलिए आप जैसे भी जहां भी हो जो भी परिस्थिति में हो उसे स्वीकार करिए और उन परिस्थितियों में अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। अपनी लाइफ का जो भी टारगेट आपने सेट किया हो उसके लिए एक सही स्ट्रेटेजी बनाइए और उस स्ट्रेटेजी को सही तरह से एग्जीक्यूट कीजिए। अगर आप सब कुछ सही तरह से करने में सफल होते हैं तो बेशक जीत आपकी ही होगी।